नीना गुप्ता की बेटी मसाबा गुप्ता ने जितने गुपचुप तरीके से शादी की उतने ही शोर के साथ उनकी पर्सनल लाइफ का हल्ला मचा, जिसमें कई कहानियां उनके पिता विवियन रिचर्ड के साथ उनके रिश्ते को लेकर बताई गई तो कुछ कहानियां मसाबा की पहली शादी से जुड़ा था। आज हम भी आपको मसाबा के पिता और उनके पहले पति से जुड़ी कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से बताने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। मसाबा नीना गुप्ता और फेमस क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स की बेटी हैं। हालांकि यह बात हमेशा से जगजाहिर रही है, लेकिन नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की शादी ना होने के कारण मसाबा को अक्सर नाजायज औलाद शब्द से नवाजा गया। जब नीना गुप्ता प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने विवियन से पूछा कि वो ये बच्चा रखे या ना रखे। विवियन ने बच्चे को जन्म देने के लिए नीना को प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्होंने बच्चे को अपना नाम देने से या नीना से शादी करने में असमर्थता जताई। नीना विवियन से प्यार करती थी और उनके लिए यही काफ़ी था कि विवियन ने उन्हें बच्चा रखने को कहा, इसलिए उन्होंने भी बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। विवियन ना तो कभी नीना गुप्ता से शादी कर सके और ना ही मसाबा को अपना सके। इसका मुख्य कारण ये था कि विवियन पहले से ही मिरियम रिचर्ड्स से शादी के बंधन में बंधे हुए थे और उन्हें उनसे दो बेटियां भी थी। साथ ही साथ वो कैरेबियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जहां यह मान्यता और परंपरा है कि एक आदमी एक से अधिक औरत से रिश्ता नहीं जोड़ सकता है। शादीशुदा होने के कारण उन्होंने नीना से शादी के लिए इनकार कर दिया। मसाबा बचपन से ही अपने पिता के बिना ही अकेले बड़ी हुई। हालांकि मसाबा ने कई छुट्टियां अपने पिता के साथ कई देशों को ट्रैवल करते हुए बिताई है, लेकिन उन मुलाकातों में काफ़ी गैप रहा है। कई बार ऐसा होता है कि विवियन अपनी बेटी को बर्थडे विश करते तो कभी चार चार साल तक उसे कॉल ही नहीं करते। नीना गुप्ता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं पहले अपनी बेटी को यह कहकर समझा देती थी कि उसके पिता एक फैमिली मैन नहीं है, इसलिए उसके पिता एक पिता की तरह ना तो उसके साथ रह सकते हैं ना ज़्यादा समय उसके साथ बिता सकते हैं। शुरुआत में मसाबा को बुरा लगा कि लगभग उसकी 20 साल की उम्र तक उसके पिता उसके टच में नहीं रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मसाबा पर ध्यान देना शुरू किया। नीना बताती हैं कि विवियन की प्रॉब्लम ये है कि वो इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है और इस कारण उनसे किसी अन्य तरीके से संपर्क करना या संपर्क में रहना मुश्किल हो जाता है। नीना विवियन का पक्ष लेते हुए कहती हैं कि विवियन बहुत ही इमोशनल है, लेकिन उन्हें अपना इमोशन एक्सप्रेस करना नहीं आता है। मैं या मसाबा अगर उनसे कुछ मांगती हैं तो वो कहीं से भी लाकर दे देते हैं, लेकिन वो कभी खुद से नहीं देते बल्कि कोई और लाकर देता है। मसाबा ने कभी अपने पिता से नफरत नहीं की और ना ही कभी नीना ने मसाबा को उसके पिता से दूर रखने की कोशिश की। मसाबा को अकेले पालने में जहां नीना गुप्ता को कई तकलीफों का सामना करना पड़ा, वहीं मसाबा ने भी बहुत कुछ झेला। वो जहां नाजायज औलाद कहलाई गई, वहीं पिता जैसे रंग रूप पाने के कारण इंडियन सोसाइटी में उसे बॉडी शेमिंग का भी बहुत सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद मसाबा खुद को अपने पिता का अक्स बताती हैं। वो कहती हैं कि वो और उनके पिता कई मामलों में एक जैसे हैं, जैसे कि हम दोनों को बहुत गुस्सा आता है, हम दोनों खुद को लेकर सेल्फिश हैं, हमें पहले खुद के बारे में सोचना पसंद है फिर दूसरे के बारे में, हम दोनों इस दुनिया के लिए एक जैसी राय रखते हैं। जैसा कि मेरे पिता मानते हैं कि परिवार सबसे जरूरी है और दोस्त जैसी कोई चीज़ नहीं होती, वैसा ही मैं भी सोचती हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में एक भी सच्चा दोस्त है तो यह बहुत बड़ी बात है। मसाबा यह भी कहती हैं कि मेरे दिल में मेरे पिता और मेरी माँ दोनों के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार है। वो दोनों अपनी अपनी तरह से सक्सेसफुल हैं। अपने माता पिता की तरह मसाबा भी अपने ज़िंदगी में सफल हैं। वो एक सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर है और हाउस ऑफ मसाबा नाम से उनका अपना फैशन ब्रांड भी है। मसाबा के इस सफलता से पहले उन्हें एक अजीब से र्यूमर का सामना करना पड़ा था। वो र्यूमर यह था कि विवियन रिचर्ड ने अपनी बेटी के अकाउंट में 500 करोड़ रुपए जमा किए हैं ताकि वह अपना बिजनेस शुरू कर सके। मसाबा के लिए यह र्यूमर बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि उसने अपने पैर पर खड़े होने के लिए कभी भी अपने माता पिता की मदद नहीं ली। वो आज जो कुछ भी हैं अपने दम पर हैं। खैर, मसाबा की दूसरी शादी में उनके पिता विवियन रिचर्ड ने हर एक फंक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विवियन अपनी बेटी की शादी में बेहद उत्साहित दिखे और वो एक पिता की तरह उन्हें स्टेज पर ले जाते भी दिखे। मसाबा ने इस पल को भरपूर जिया और वो सोशल मीडिया पर अपने इस भरे पूरे परिवार पर अच्छे शब्द भी लिखती नजर आईं, जिसमें उनकी माँ, सौतेले पिता और अपने पिता विवियन भी शामिल थे। मसाबा अपनी माँ की तस्वीर शेयर करते हुए उनके बारे में लिखती हैं कि मेरी सबसे प्यारी चीज़, मुझे एक शेरनी की तरह बड़ा करने के लिए शुक्रिया।
वहीं वह अपने स्टेप फादर विवेक की तस्वीर शेयर करते हुए लिखती हैं कि मुझमें जो जेंटल बिजनेसमैन आप देखते हैं ये सब इस इंसान की वजह से है। इनका दिमाग सबसे दयालु है और दिल सबसे बड़ा। वहीं वह अपने पिता विवियन रिचर्ड की तस्वीर शेयर करते हुए लिखती हैं कि ये वो आंखें हैं जो कभी झूठ नहीं बोलती, मेरे इंटेंस पिता और एक जायंट जेंटलमैन। आगे वो लिखती हैं कि मुझे खुशी है कि मुझे न केवल आपकी नाक मिली है बल्कि आपके कंधे भी मिले हैं जिसने आपकी ही तरह इस दुनिया का लड़ाकू बनकर सामना किया है। मसाबा गुप्ता और नीना गुप्ता आज अपनी ज़िंदगी में खुश है, लेकिन नीना को अपनी बेटी के बचपन को लेकर आज भी काफ़ी दुख है। उनका कहना है कि उन्होंने उस वक्त बिना सोचे बिचारे मसाबा को जन्म देने का फैसला ले लिया था, लेकिन मसाबा के बचपन को देखकर अब उन्हें लगता है कि किसी भी बच्चे के लिए माँ बाप दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। मसाबा ने एक्टर सत्यदीप मिश्रा से दूसरी शादी की है, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि उनकी पहली शादी भी हुई है जो 2015 में मधु मंटेना के साथ हुई थी। मधु मंटेना एक जाने माने प्रोड्यूसर हैं और राम गोपाल वर्मा के कज़न भी। मसाबा से ये उनकी भी दूसरी शादी थी। दोनों की शादी कुछ ही साल चल पाई और फिर परिवार की सहमति से 2019 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। तलाक की वजह मसाबा खुद को मानती हैं। उनका कहना है कि वो अपने काम में इतनी बिजी थी कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है इसका उन्हें एहसास ही नहीं था। यह तलाक उनके लिए काफ़ी पेनफुल भी था और इस वजह से वो तलाक के प्रोसेस का कई दिनों तक एक्टिवली हिस्सा भी नहीं बनी। वो बस खुद को इस फीलिंग से दूर अपने काम में अपने आप को डूबे रखना चाहती थी। कई बार ये र्यूमर भी उड़ा कि तलाक की वजह मधु मंटेना का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। मसाबा को जैसे ही इस बात की भनक लगी वो अपने एक्स हस्बैंड के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर उतर आईं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि चूंकि मेरे पति को बेवफा बोला जा रहा है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है और आगे भी कहना पड़ेगा क्योंकि ये बातें आती ही रहेंगी। मैं मधु के कैरेक्टर के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगी क्योंकि उनसे जुड़ी ये सारी अफवाहें सही नहीं हैं। खैर, अब मसाबा अपनी नई ज़िंदगी में कदम रख चुकी हैं। उम्मीद है उनका ये सफ़र उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।